हाय दोस्तों, सेल्फ ज्ञान चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो कि एक दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप जो अपने आधार कार्ड को, अगर किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को अपने आधार कार्ड के जरिए सिम लिया हुआ है तो वहां से आप अपने आधार कार्ड को डीलिंक करवा सकते हैं। साथ ही साथ किसी बैंक में, आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है, तो आप अगर चाहने का आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप अपना आधार कार्ड जो है डीलिंक करवा सकते हैं। तो वो किस तरीके से आप डीलिंक करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से हम अपने आधार कार्ड को डीलिंक करवा सकते हैं, चाहे हम पेटीएम वॉलेट से हो चाहे वो फिर बैंक अकाउंट से हो। यहाँ पे देख सकते हैं, एक आर्टिकल में प्रिंट किया गया है, ऐसे कराए डीलिंग। अगर आपने डिजिटल वॉलेट और बैंक से आधार लिंक करा रखा है तो आपको डेटा सिक्योरिटी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से इसे डीलिंक कर सकते हैं। आपने बैंक से आधार लिंक करा रखा है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे ऑनलाइन डीलिंक नहीं कर सकते हैं। बैंक जाकर आप कस्टमर केयर से अनलिंक आधार का फॉर्म लें और उसे भरकर जमा कराएं। 48 घंटे के अंदर जो आपके बैंक अकाउंट से आधार को डीलिंक कर दिया जाएगा। आप बैंक को भी कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सिंपली, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आप डीलिंग कराना चाहते हैं, तो आप वहाँ बैंक में विजिट करें, ब्रांच में विजिट करें और वहाँ से एक फॉर्म लें आधार डीलिंग का और उसे फिलअप करें और सिंपली जो आप बैंक में उसे सबमिट कर दें। उसके बाद जो 48 घंटे के अंदर डीलिंग हो जाएगा। और साथ ही साथ, अगर क्योंकि आज की डेट में डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी जो बहुत ज़्यादा हो रखी है और हम सभी जो है ऑलमोस्ट जो है सभी एंड्रॉयड यूजर जो पेटीएम का यूज जरूर करते हैं, तो पेटीएम जो है सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। पेटीएम से ऐसे कराएं आधार को डीलिंग। अगर आपने पेटीएम से आधार को लिंक करा रखा है तो कस्टमर केयर नंबर 01204456456 पर कॉल करें और उनसे कहें कि वे आपका आधार अनलिंक कराने से जुड़ा हुआ एक ईमेल भेजें। ठीक है, आपके ईमेल पे आ सकता है या फिर जो आपका रजिस्टर्ड पेटीएम नंबर है उसके ऊपर एक लिंक भेजा जाएगा। इसके बाद आपको पेटीएम का ईमेल मिलेगा जिसमें आपको आधार की एक सॉफ्ट कॉपी अटैच करना होगा, करने को कहा जाएगा। इसके बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें कहा जाएगा आपका आधार अगले 72 घंटे में पेटीएम वॉलेट से डीलिंक कर दिया जाएगा। आप 3 दिन के बाद जो है चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड डीलिंक हुआ कि नहीं हुआ। ये सिंपल सा प्रोसेस है बैंक के लिए, जो आपको सिंपली जो है बैंक ब्रांच विजिट करना होगा। लेकिन पेटीएम के लिए, क्योंकि पेटीएम का कोई भी सेंटर नहीं है, तो ऐसे में आपको जो एक लिंक भेजा जाएगा। लिंक के थ्रू आपको एक वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आधार कार्ड की कॉपी को आप जो है स्कैन करके या फिर एक फोटो क्लिक करके उसमें अटैच करें और अटैचमेंट जो हमें सेंड करें, ताकि हम आसानी से आपके आधार को आपके नंबर से डीलिंक कर सकें। आई होप दोस्तों कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।